यस गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं डीनो जेम्स के गाने पे जिसका नाम है निडर, द अल्टीमेट मोटिवेशन। जो हिप हॉप को ज्यादा रिलेट कर पा रहा है ना, उसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशनल गाना यही है। अगर सुना नहीं तो जाके सुनो, अगर सुना है तो मेरे साथ आओ, साथ में सुनते गाइस, साथ में वापस से मोटिवेशन गेन करते, फिर शेयर करते अपना अपना एक्सपीरियंस ये गाने के साथ। लेट्स स्टार्ट। क्या कर रहा है बेटा? क्या करेगा? अरे घर का अच्छा खासा काम छोड़ छाड़ करके चला गया बम्बई। ठीक है, जिद थी, वहां एक्टिंग करेंगे। क्या हासिल किया 5 साल में? टाइम बर्बाद करके तो आया। कुछ प्लान है? कुछ करना है? सोचे हो कुछ? अब ये हर घर का सीन है गाइस। हर घर में डायलॉग नहीं बोल सकते, ये एक कंसर्न होता है, एक अपने डैड का, अपने ऊपर, मतलब अपने पेरेंट्स का, अपने से एक कंसर्न होता है। क्या करना है? कुछ प्लान है? नहीं है। ये सबके घर का हालत है, सबके घर का यही सीन है, मेरे घर का खुद के यही सीन है। वो फीलिंग में जानता हूँ गाइस, कि जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो फीलिंग जानता हूँ कि कुछ आंसर नहीं रहता अपने पास, स्पीचलेस हो जाते हो। मतलब भले कितने घर में कितने भी बड़े तुम तो रम खान रहेंगे, लेकिन जब ये सवाल आते ना तो स्पीचलेस हो जाते हो, कोई भी स्पीचलेस हो जाता है। ये फीलिंग मैं जानता हूँ, मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और एक कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ मैं ये एक्सपीरियंस, बट मैं कभी भी इसका कुछ आंसर ही नहीं कर पाता हूँ। पता नहीं क्यों, मेरे को खुद को नहीं पता इसका आंसर मैं कैसे दूँ। तो अगर आप भी वो सेम चीज एक्सपीरियंस कर रहे हो तो कमेंट में भर दो गाइस। अगर पेरेंट्स को नहीं बता पा रहे हो तो कमेंट्स में बता दो भाई, कमेंट में बड़ास निकाल दो अपने। आप वैसे सुनते, स्टार्टिंग से सुनते गाइस, थोड़ा माहौल बनाते, बहुत अच्छा गाना गाइस, सुनना। अगर नहीं सुना है तो जाके सुनो गाइस, बहुत अच्छा गाना है, जाके सुनो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है? और एक्टिंग तो डीनो जेम्स की है। क्या कर रहा है बेटा? क्या करेगा? अरे घर का अच्छा खासा काम छोड़ छाड़ करके चला गया बम्बई। ठीक है, जिद थी, वहां एक्टिंग करेंगे। क्या हासिल किया 5 साल में? टाइम बर्बाद करके तो आया। कुछ प्लान है? कुछ करना है? सोचे हो कुछ? अब टाइम वेस्ट करना बंद, कल से मेरे साथ चलो फैक्ट्री, वहां का काम समझो, संभालो और अपनी लाइफ को ट्रैक पर लेकर के आओ। कभी घर से, सबके डर से, खुद से लड़ते रहता था जी भर मेरे भर से, डीनो जेम्स काफी अरसे से छुपा भीतर झगड़ा काफी, टूटे कांची मेरा दुश्मन था वो या टीचर, हो गया राजी बन गया साथी, जब से बागी बन गया और निडर। कभी घर से, सबके डर से, खुद से लड़ते रहता था जी भर मेरे भर से, डीनो जेम्स काफी अरसे से छुपा भीतर झगड़ा काफी, टूटे कांची मेरा दुश्मन था वो या टीचर, हो गया राजी बन गया साथी, जब से बागी बन गया और निडर। डर के बैठा हुआ था मैं भैया बिन दिशा की नाव में, और खींची चली जा रही थी गहरी नदी बहाव में, धरती नहीं थी पाव में, पूरी लाइफ लगी थी दाव में, चिल्ला रहा था बस लाउड में, खोया रहता था क्राउड में, ताने नजर आते थे लोगों के हर सुझाव में, मेरा माथा था तनाव में, बस रहता था दबाव में, फिर भी लेकर चलने लगा अपने सारे घाव में, फिर लड़ना नेचुरली आ गया मेरे स्वभाव में, तेरे जैसा दोस्त मैं हर मान लेता था, सोच में नेगेटिव था अप्रोच मैं, पर कभी ना था माँ, फिर लेके सारा बोझ मैं चला मैं खुद के खोजे में, फिर खुद का बना कोच मैं, फिर समझा ये जहाँ रहता था बस पेन में, करता था माँ और बहन में, बस करता था कंप्लेन में, फिर एक दिन बोला बस, अंगारों में था ट्रेंड में, छुड़ा के सारे चेन में, फिर ट्रेन से सीधा प्लेन में, डीनो को दी शिकस्त, जो मैं आज कर रहा हूँ वो सालों पहले ही
बड़े सपनों से डरने का, थक थक शक से मैं भर के था घर बैठा करता। ये लाइन मात कसम, तुम ध्यान से सुनोगे ना, ये लाइंस का बहुत डीप मीनिंग है कि जो मैं आज कर रहा हूँ वो सालों पहले ही कर लेता। लाख कहते थे कि बड़े सपनों से डरने का, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट होता है ना घर पे, अगर तुम मिडिल क्लास बॉय हो ना, मैं भी ये सबने एक्सपीरियंस किया रहेगा, सब लोग ने झेला रहेगा ये सब चीज। अगर तुम मिडिल क्लास बॉय हो या तो कोई भी, अगर उसके घर पे ऐसा माहौल है ना कि उसको बोला जाता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, इसमें तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है, कुछ भी नहीं उखड़ेगा तुमसे, ये वर्ड्स सारे सब चीज में एकदम एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ कि ये सब अपने लिए नहीं, ये सब अपने से नहीं होता, ये सब एक्टिंग वगैरह ना वीडियो शूटिंग वो सब अपने लिए नहीं है, अपने लिए सिर्फ काम धंधा है, काम करो नौकरी करो बस और कुछ नहीं, इससे क्या हो जाएगा, क्या कर लोगे तुम जिंदगी में ये सब करके। ये सब होता है ना कि तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो बट लेकिन ऐसा एनवायरमेंट होता है ना कि तुमको रोक के रखता है वो चीज, फिर एक ऐसा एक टाइम आता है कि भाई फिर आप सोचते कि छोड़ लोग को सुन कितना सुनाएंगे, सुना के कितना सुनाएंगे, सुन लेंगे पर अपने को जो करना है वो करेंगे, अगर उसमें अगर बुरा रिजल्ट आया बोले तो फिर बोलेंगे तुमको पहले ही बोला था नहीं करना चाहिए था, और अगर अच्छा रिजल्ट आता हाँ मेरे को तेरे पे भरोसा है तू करेगा, ये सब है। तो यही बोलना चाह रहे कि जो फिर अपने मन में ये होता है कि साला जो मैं आज कर रहा हूँ अगर तुमने पहले ये सब नहीं बोला रहता, थोड़ा मोटिवेट किया रहता तो मैं पहले ही कर लेता ये सब, पर तुमने तो क्या बोला था ये सब नहीं है, बड़े सपनों से डरो, अपने लिए ये सब नहीं है, सिर्फ काम धंधा नौकरी करो बस और कुछ नहीं, पर ऐसा नहीं जीना है ना भाई आपने। तो यही लाइन का मतलब है मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरी समझ के हिसाब से यही लाइन का मतलब है। देखिए वापस से सुनते गाइस ये लाइन, तो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है गाइस तो लाइक शेयर कर देना इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को गाइस, वी आर वेरी क्लोज टू ओवर 1000 सब्सक्राइबर्स, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ठीक है आपकी मर्जी, पसंद आ रहा है तो कर लो, नहीं करना है तो मत करो, इट्स अप टू यू, ठीक है लेट्स स्टार्ट। जो मैं आज कर रहा हूँ वो सालों पहले ही कर लेता, लाख कहते थे कि बड़े सपनों से डरने का, थक थक शक से मैं भर के था घर बैठा करता, के डीनो साला खुद मेरे वर्सेस था, घर से सबके डर से खुद से लड़ते रहता था, जी भर मेरे वर्सेस था, डीनो जेम्स काफी अरसे से छुपा भीतर झगड़ा काफी टूटे कांची, मेरा दुश्मन था वो या टीचर हो गया राजी, बन गया साधी जब से बागी बन गया और निडर, बस खेल रहा था मैं ब्लाइंड फिर न लेफ्ट देखा ना राइट, आग बंद कर अंधी गहरी खाई में लगा दी मैंने डाइव, अबे खोलो ना तुम दरवाजा पर आया नहीं रिप्लाई, और जो फ्रस्ट्रेशन में बोला आज वो बन गया मेरा स्टाइल, फिर दिल की आवाज सुनी सबने बिना कोई माइक, नाउ आई एम रेडी फॉर द फ्लाइट एंड आई एम रेडी फॉर द फाइट, सारे कमेंट सारे लाइक मुझे करने लगे गाइड, सारे अगर मेरी मदद को फिर शिव अल्लाह और क्राइस्ट, यही बोल रहा है कि खेल रहा था मैं ब्लाइंड फिर ना लेफ्ट देखा ना राइट, आग बंद करके अंधी खेरी खाई में लगा दी मैंने डाइव, कूद गया, करना है तो करना है वैसा कूद जाओ, कहावत है कि अगर पानी में गिरोगे तो ही तैरना आएगा, ऐसे खड़े खड़े तैरना नहीं आएगा, तो कूद जाओ गाइस, ये वही बोलना चाह रहा है डिनो भाई अपना, सुन दे आगे गाइस। था मैं ब्लाइंड फिर न लेफ्ट देखा ना राइट, आग बंद कर अंधी गहरी खाई में लगा दी मैंने डाइव, अबे खोलो ना तुम दरवाजा पर आया नहीं रिप्लाई, और जो फ्रस्ट्रेशन में बोला आज वो बन गया मेरा स्टाइल, फिर दिल की आवाज सुनी सबने बिना कोई माइक, नाउ आई एम रेडी फॉर द फ्लाइट एंड आई एम रेडी फॉर द फाइट, सारे कमेंट सारे लाइक मुझे करने लगे गाइड, सारे आ गए मेरी मदद को फिर शिव अल्लाह और क्राइस्ट, और फिर थोड़ा लड़ना वीको के बड़ा मैं पागल फ्रीको के संग भागा, फिर मैं जीतो के या हारोगे पर जीतो के मरीगो से तुम चीखोगे, आंखों से पानी लीखोगे उन चीटों से जब लीखोगे फिर तुम बस दिखोगे, पढ़ा था जैसे 200 फीट रोता था बस 300 दिन तूफाके था मैं बीचो बीच बचा लो ना वे 200 पीस अबे उठो सालो सीजो बीच तकलीफें डालो किसो मेटर है ये सारे शीशों के बड़ों कुछ से कहके इसो के तुम सोच भी नहीं सकते कितना हुआ हूँ विफल ब्रो, कोस भी नहीं सकता अपने लास्ट के विकल्प को, सीढ़ी चढ़ने लगा धीरे धीरे से शिखर को, सब होने लगा बना जैसे ही निडर, कभी घर से सबके डर से खुद से लड़ते रहता था, जी भर मेरे वर्सेस था डीनो जेम्स काफी अरसे से छुपा भीतर झगड़ा काफी टूटे कांची, मेरा दुश्मन था वो या टीचर हो गया राजी, बन गया साधी जब से बागी बन गया और निडर, कुछ भी हो रुकने का नहीं अब कुछ भी हो झुकने का नहीं, कुछ भी हो रुकने का नहीं अब कुछ भी हो झुकने का नहीं, कुछ भी हो रुकने का नहीं अब कुछ भी हो झुकने का नहीं।
अलग सा एक मोटिवेशन मिल जाता है साला ये गाना सुन के। ये गाने के बारे में बात कर रहा था मैं, लूजर उसका पहला गाना। क्या लिखा है, लूजर वेंट टू बिकम द मोस्ट व्यूड सॉन्ग ऑफ डीनो जेम्स एंड स्टेलर टिकलिंग। ऐसे ही सब गाने गाइस एक उम्मीद जगा लेते गाइस अपने में, अलग सा मोटिवेशन ला देते हैं। इसलिए ये ऐसे गानों की वजह से ही हिप हॉप से प्यार है गाइस, ऐसे गानों की वजह से ही हिप हॉप से प्यार हुआ है मेरे को। तो लिटरली मैं अभी बॉलीवुड सॉन्ग्स से ज्यादा हिप हॉप सुनने लगा हूँ। मैं मेरा पहला था 90% ऑफ मैं बॉलीवुड सुनता था, अभी तो पूरा 100% का अली यही सुन रहा हूँ मैं हिप हॉप, क्योंकि इतना रिलेट कर लेते ना वो सब चीज से, एक जरिया मिल जाता है वो सब चीज रिलेट करने का, फिर वो ही जरिया एक सॉल्यूशन बनता है, तो वो सब चीज एकदम अच्छा लगता है। इसके अपने जैसे भी लोग हैं, अपने जैसे लोग ने भी कुछ उखाड़ा है जीवन में, तो अपने को भी एक मोटिवेशन मिलता है कि गाइस अपन भी कुछ कर सकते लाइफ में। वो लोग भी एक आम ही इंसान थे, वो लोग का भी अपना खुद का टैलेंट वो लोग लाए, लेकिन ऐसा लाए कि भाई सब लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे। तो अगर आप में भी खुद में कुछ टैलेंट है, कोई भी टैलेंट, ऐसे नहीं कि रैप ही आना चाहिए तुमको, कोई भी टैलेंट हो, बट बस खाली खुद में बिलीव करो कि ये टैलेंट को लेके मैं आगे तक जाऊंगा, लोग ये इसकी वजह से मेरे को रिकॉग्नाइज करेंगे, तो वो करो गाइस। किसी का भी मत सुनो, बोलेंगे लोग आएंगे, बोलेंगे चले जाएंगे, कोई घर पे खाना खिलाने नहीं आता। अगर तुम्हारे घर पे तुम्हारे पेरेंट्स तुमको बोल रहे ना, अगर तुमको खुद पे बिलीव है ना गाइस के मैं कर सकता हूँ, तो उनको समझाओ, अब्बा मान जाएंगे। जीवन में किसी का मत सुनो, किसी को इतना इम्पोर्टेंस दो ही मत, खाली अपने घर पे पेरेंट्स, आपसे जो बड़े हैं भाई बहन, अपने अपने फैमिली में, बस आपका आपका फैमिली में जो भी आपको कोई कुछ पूछ रहा है बोल रहा है ना, तो उसको कंसिडर करो। अगर वो राइट है तो वो लोग के हिसाब से चलो, अगर वो रॉन्ग है तो ऐसा मत बोलो तुम रॉन्ग है, उनको समझाओ कि तुम वो कहाँ पे रॉन्ग जा रहे। समझते हैं लोग, घर वाले लोग समझते हैं, सिर्फ समझाने वाला चाहिए। अगर फिर भी नहीं समझ रहे ना गाइस, तो जो तुम कर रहे हो ना वो करो, उसमें सक्सेस पालो वो चीज में, और जब भी तुम अपने आप को प्रूव करोगे ना गाइस, तो ये सब क्वेश्चन आना बंद हो जाएगी। लोग समझ जाते हैं, बस समझाने वाला चाहिए, दुनिया झुकती है बस झुकाने वाला चाहिए। इसलिए तो ये गाना मेरे को बहुत पसंद है, बहुत ही पसंद है ये गाना मेरे को, इतना अंदर से एकदम ये राख वाला मोटिवेशन लेके आता है। हर एक वीडियो में बोलूंगा, अगर डीनो भाई का अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ ना, तो हर एक वीडियो में बोलूंगा कि उसका एक्टिंग एकदम रियल लगता है। वो बंदा पता ही नहीं चलता कि वो बंदा वीडियो में एक्टर है, या फिर वीडियो में वही एक्टर है और वही कंपोजर है या वही लिरिसिस्ट है, पता ही नहीं चलता है। ऐसा सब चीज अच्छा लगता है मेरे को, मतलब वो कोई भी काम हाथ में लेता है तो उस काम में वो एक्सेल ही करता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई या फिर रिलेटेबल लगी, तो लाइक कर देना गाइस और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वी आर वेरी क्लोज टू अवर 1000 सब्सक्राइबर्स, तो कर देना। मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।